दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया था। पार्ट वन में हमने देखा कि हमने किस तरह से इस कार पे काम करना शुरुआत की, क्या क्या हमें चैलेंजेस हैं। अब आप पार्ट टू में देखेंगे कि हम किस तरह से इस कार का काम कंप्लीट करते हैं और ये कार कैसी दिखती है, साथ ही इसके बजटिंग के बारे में भी बात करेंगे। यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे वर्कशॉप में टोटल तीन डिवीज़न है। एक है मारुति कार के लिए ऑथराइज्ड, एक है नेक्सा कार के लिए ऑथराइज्ड और एक है हम मल्टी कार डिवीज़न रन करते हैं। दोस्तों, ये जो ब्लू कलर की आप मास्किंग टेप देख रहे हैं, इसे हम परफोरेटेड मास्किंग टेप कहते हैं। दोस्तों, ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है, बट ये आपके काम की एफिशिएंसी को बिना ख़राब किए आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव करती है। ज़्यादातर दोस्तों, ये विंडशील्ड ग्लास के एजेस पे, क्वार्टर ग्लास के रबर्स पे, डोर के बिडिंग्स पे अच्छे से मास्क करने के लिए यूज़ करते हैं, ताकि उनके एजेस पे जो पेंट है वो डिपॉजिट बराबर हो। दोस्तों, हमारे वर्कशॉप में विजिट करने वाले सभी कस्टमर्स का काम करने के लिए हम बहुत सिंसियर एफर्ट डालते हैं हमारे काम में, और आप ये वेरीफाई कर सकते हैं हमारे गूगल रेटिंग से भी।
हेलो फ्रेंड्स, फाइनली दोस्तों हमारी ब्रांड न्यू इनोवा क्रिस्टा अब रेडी हो चुकी है डिलीवरी के लिए। मैं ब्रांड न्यू इसके लिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि अब ये ब्रांड न्यू लग रही है। आप देख सकते हैं हमने 2016 मॉडल इनोवा क्रिस्टा को 2023 में अपग्रेड किया, जिसके लिए हमने बहुत सारे चेंजेस तो नहीं किए, एक सिंपल सा चेंजेस किया था जिसमें था इसका फ्रंट बम्पर, शो ग्रिल, फॉग लैम्प्स, टर्न इंडिकेटर्स और लोअर ग्रिल एरिया। पर अब इसका जो फिजिकल अपीयरेंस है ये पहले से बहुत ज़्यादा अपीलिंग हो गया है। आप देख सकते हैं हमारे पूरे काम के इस फिनिश को। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आपने देखा था इस पूरे कार के फिजिकल अपीयरेंस को। इस कार पे कई तरह के डेंट्स थे, स्क्रैचेस थे, इनफैक्ट जितने भी पैनल्स थे सभी पर पहले से ही कुछ ना कुछ काम हो चुका था। सभी पैनल्स पे वेविनेस थे, कहीं पर भी कार की जो फिनिश थी वो इस तरह से नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि ये कार कस्टमर ने प्री ओन मार्केट से खरीदी थी कुछ साल पहले, तो उन्होंने इस कार को वैसे ही मेंटेन किया था। इनोवा क्रिस्टा वैसे ही बहुत लंबे समय तक मार्केट में रहती है, इसका लाइफ स्पैन वैसे ही काफ़ी अच्छा होता है। ऐसे में कस्टमर को लगा कि उन्हें ब्रांड न्यू कार खरीदने से अच्छा है कि उसी कार को वो थोड़ा सा अपग्रेड कर ले, थोड़ा सा उसके फिजिकल अपीयरेंस को सुधार लें, और जहाँ पर भी रिपेयरिंग और पेंटिंग की ज़रूरत है किसी अच्छे वर्कशॉप में जाके उसे करा ले। तो इस कार पे काम करते समय हमने इस कार की छोटी से छोटी डिटेलिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, जैसे कि ये शोल्डर लाइन अगर आप एरिया देखेंगे तो ये कहीं पर भी आपको इसमें अनइवननेस नज़र नहीं आएगा। साथ ही फेंडर के व्हील आचेस, डोर के जो बॉटम की तरफ जो पोर्शन होता है यहाँ पर भी कहीं भी आपको वेविनेस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इस कार पे पहले भी मल्टीपल टाइम्स काम हो चुका था तो बहुत चैलेंजिंग था दोस्तों इसे हमें करेक्ट करना। करेक्शन में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका पुट्टी वर्क, जिसे करते समय हमें कई बार कार को सैंड करना पड़ा अलग अलग सैंडिंग पेपर से, ताकि जितना हो सके जब फाइनल पेंट करें उस पर किसी भी तरह की वेविनेस ना दिखे। दोस्तों पूरा का पूरा पेंटिंग का जो काम होता है वो डिपेंड करता है पुट्टी वर्क पे। अगर आपका पुट्टी वर्क सही तरीके से हुआ है तो कार की जो फिनिश है वो आपके सामने है। साथ ही दोस्तों उसके अलॉय व्हील्स को भी हमने पेंट किया है। यहाँ पर जो क्रोम की गार्निश दिख रही है ये भी हमने थोड़ी सी ऐड की, क्योंकि ये ओवरऑल लुक को थोड़ा सा एनहांस करती है। आप पीछे की तरफ दोस्तों आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका बैक साइड में जो बम्पर था ये टूट गया था, तो हमने इसे भी रिप्लेस किया है। दोस्तों किसी भी कार को हम ओवरकोट में पेंट करते हैं तो उसके हिडन एरियाज़ को भी आपको कवर करना बहुत ज़रूरी है, ताकि कहीं से भी कार ऐसा फील ना आए कि वो रिपेंट हुई है। साथ ही आप रेगुलरली कार को बार बार ओवरकोट या रिपेंट नहीं कर सकते, ऐसे में इन चीज़ों पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। किसी भी पेंट जॉब का फिनिश जो डिपेंड करता है सबसे इम्पोर्टेंट दो चीज़ों पे, वो है इसका ओवरऑल अपीयरेंस, साथ ही इसका ग्लॉस। आप देख सकते थे कि इस कार का जो ग्लॉस है उस पर कितना अच्छा मिरर इफेक्ट आ रहा था, साथ ही इसका जो पेंट है इस पर कितनी अच्छी फिनिश है। अगेन आप अगर क्लोजअप में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे कि ये जो गार्नेट रेड कलर था इसमें जो शिमर्स हैं वो कितने अच्छी तरह से दिख रहे हैं। यूजुअली जब हम ये फील हमें तब आता है दोस्तों जब हम ब्रांड न्यू कार खरीदते हैं, उस समय हमारी कार का जो अपीयरेंस है कुछ इस तरह से ही नज़र आता है हमें। किसी भी कार का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों उसका फ्रंट फेशिया। कस्टमर ने जब हमें इस कार को लेकर अप्रोच किया था तो उनके माइंड में अलग अलग तरह की चीज़ें थी, उन्हें अपनी कार को कुछ अलग बनाना था। ऐसे में उन्होंने हमसे ओपिनियन ली और एडवाइस ली कि या हम इस कार को किस तरह से अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों जहां तक कि मैं आपको बताऊं कि अगर हम चाहते तो इसमें अलग तरह के आफ्टर मार्केट में कई तरह के बम्पर किट्स अवेलेबल हैं, पर जब भी आप इस तरह का मॉडिफिकेशन करते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आप उस मॉडिफिकेशन को फ्यूचर में किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं। कई बार दोस्तों हम ओवर एक्साइट होकर अपनी कार को अलग बनाने के चक्कर में उसे मॉडिफाई तो कर देते हैं, बट क्योंकि फ्रंट पर यूजुअली ज़्यादा डैमेजेस होते रहते हैं तो ऐसे में उस चीज़ को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो हमने काम किया है इसमें हमने OEM सप्लाई का जो बम्पर था वही फिक्स किया है, जो इन फ्यूचर अगर इसे डैमेज भी होता है या किसी भी तरह का नुकसान भी होता है तो कस्टमर को मेंटेन करने के लिए बहुत ही इजी होगा, क्योंकि इनोवा के जो पार्ट्स हैं वो ऑलरेडी मार्केट में बहुत ही ईजिली अवेलेबल होते हैं, तो कस्टमर को मेंटेन करने में कोई तरह की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे बड़ा चैलेंज दोस्तों जो हमें मॉडिफिकेशन के काम पे आता है वो है दोस्तों अगर किसी भी तरह का कोई डैमेज अगर हो जाता है तो वो जो पार्ट जो हमने मॉडिफिकेशन में यूज़ किया है वो आफ्टर मार्केट में अवेलेबल है या नहीं, और अगर अवेलेबल नहीं होता है तो आप तब तक आपकी कार को आपको पार्क करके रखना पड़ता है, आप उसे नहीं यूज़ कर सकते। सो ये भी बहुत चैलेंजिंग होता है। ऐसे में दोस्तों मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ अपने कस्टमर्स को कि जितना हो सके अपनी कार को आप अपडेट करें या रिफ्रेशिंग लुक देना चाहें तो आप OEM सप्लाई पार्ट से ही या उस लिमिट में करें जहाँ पर आपको इन फ्यूचर मेंटेन करने के लिए बहुत आसानी हो। दोस्तों किसी भी काम को करते समय हम कस्टमर को राइट एडवाइस देने की कोशिश करते हैं। राइट एडवाइस का मतलब है दोस्तों प्रॉपर मेंटेनेंस, सर्विस, रीच एंड बजटिंग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आप भी अपनी कार का काम एक रीजनेबल अमाउंट में कराना चाहते हैं
तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दोस्तों मैं ज़रूर कहूँगा कि आप हो सके हमारे वीडियोज़ को फॉरवर्ड ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम हमारे काम को शोकेस कर सकें। दोस्तों बजटिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आप व्यूअर्स के लिए, क्योंकि आप जब किसी भी वीडियो को इस तरह देखते हैं तो आप बैक ऑफ द माइंड में यही सोचते हैं कि इस कार को करने में खर्चा कितना आया होगा। और जिस तरह से मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको इस कार के बजट के बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा, तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस पूरी कार को करने के लिए हमने कस्टमर से 75,000 रुपीज़ चार्ज किया, जिसके अंदर इस पूरी कार की डेंटिंग एंड रिपेयरिंग, स्ट्रिपिंग चार्जेस और साथ में पेंटिंग चार्जेस और साथ में कुछ छोटे मोटे पार्ट्स। हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें जो हमने फेसलिफ्ट में आगे का बम्पर और ग्रिल और फॉग लैम्प यूज़ किए हैं या पीछे का जो रेयर बम्पर यूज़ किया है, इन कुछ पार्ट्स के चार्जेस हैं वो कस्टमर ने एडिशनल पे किए हैं। दोस्तों फाइनली आपने देखा हमारी इनोवा पूरी रेडी हो गई है और हमारे सामने समय वही इनोवा कार के कस्टमर हैं मिस्टर प्रतीक मिश्रा जी। तो हम उनसे ही जानेंगे कि क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से वो हमारे वर्कशॉप में आए और हमारा काम उन्हें कैसा लगा, चलिए हम उनसे ही पूछते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रतीक जयप्रकाश मिश्रा है। मेरे एक फ्रेंड मिस्टर केवल भेड़ा ने मुझे अनीश जी के बारे में बताया और उनके वर्कशॉप के बारे में। तो आई रिसाइड इन अंधेरी मुंबई और द वर्कशॉप इज़ लोकेटेड इन उरानी। तो मैंने उनको बोला कि यार 30-40 किलोमीटर दूर इतना, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि नहीं आप जा कर के देखिए, उनकी सर्विस इज़ आउटस्टैंडिंग है। और आफ्टर रिसीविंग द प्रोडक्ट एंड द डिलीवरी ऑफ माई इनोवा, आई ट्रूली फील दैट जय वॉज राइट and it means a lot what they guys have done. So I was initially told to leave the car for 2 weeks, and before getting back I was on a tour for 2 weeks, and before coming back I got a call from them ki aapka jo car hai wo ready hai, and mujhe specifically bataya gaya ki ek ek din par kya kya kaam hua hai. Har din mujhe text message as well as videos and audios were sent. तो मुझे डेली ये मालूम पड़ता गया कि क्या क्या काम हो रहा है। तो जय सर के कारण मैं अनीश जी से मिला, अनीश जी के कारण मुझे एक एक दिन के अपडेट मिले और 15 दिन के अंदर ही मेरी गाड़ी पूरी डेंटिंग पेंटिंग के साथ में रेडी हो गई, विच इज़ वेरी वेरी ग्रेट। ऑल्सो आई वुड लाइक टू एड ऑन कि द कॉस्ट आर वेरी नॉमिनल, दे आर वेरी 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 नॉमिनल एंड not very expensive when it comes to the billing process. I don't know why Anish ji was so grateful to me. I asked him ki itne saste mein kyun kar rahe ho sir, thoda paise zyada le lo. So thank you so much for that as well, and outstanding service, thank you so much. I would recommend each and every one of you all to come. Dosto zyada tar videos jo hum jo pe dekhte hain, un videos mein hum us project ko dekhte hain, video ki presentation ko dekhte hain, साथ में उस प्रोजेक्ट में जो प्रोसेस यूज किया गया है हम उसे देखते हैं। बट एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज जो हम बस करते हैं वो है बजटिंग। गिव अस एन अपॉर्चुनिटी टू शोकेस आवर वर्क। थैंक यू सो मच।